बात सही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उनके सामने जाती हूँ ना, मेरी आवाज ही नहीं निकलती मुंह से, मैं क्या करूं? ठीक है, इसका एक ही सोल्यूशन है। क्या? तू जीजू के लिए जो भी फील करती है, जितना प्यार करती है, जो भी कहना चाहती है, वो एक कागज पर लिखकर उन्हें उन्हें भेज दे। आई नो तरीका अलग है, पर बात तो वही है ना, कहने का मतलब तो वही है। तो ठीक है रही बुलबुल, मतलब तो बात उन तक पहुंचाने से ना, फिर वो कहकर पहुंचे या लिखकर, है ना? मैं उन्हें सब कुछ लिखकर दे दूंगी और वो पढ़ेंगे और खुद डिसाइड कर लेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अब तो ज्यादा सोच मत, क्योंकि अगर तू सोचेगी ना तो चार बातें तेरे दिमाग में आएगी और फिर कंफ्यूज हो जाएगी। चल चल जल्दी लिख दी, चल। मुझको लगता है अब लाइफ में कुछ भी ठीक होगा ही, सब कुछ गलत ही होगा। उसके ऊपर एसिड फेंकवाने गए तो वो हीरो बनकर वहां पर आ गया, वो स्टुपिड नील। और उसने भी क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया। और अब आखिरी चांस है बुलबुल को किसी तरीके से भेजने का, और वो पूरा भाग गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। आलिया वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी करो जल्दी करो और कुछ बड़ा करो, क्योंकि ये एंगेजमेंट एक बार हो गई ना, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बोलो आलिया, तुमने कोई तरीका निकाला कि नहीं बुलबुल को बाहर निकालने का? मैं अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना वहीं रुको, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? अरे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इट्स नॉट दैट इजी नील, समझते क्यों नहीं हो तुम? जब मुझे लगेगा कि मैं बुलबुल को यहाँ से बाहर भेज सकती हूँ तो मैं उसे भेजूंगी, और जब भेजूंगी तब तुम्हें कॉल करूंगी, समझे तुम? बार बार फोन करना बंद करो। देखो जो करना है जल्दी करो, समझी? मैं आखिरी मौका अपने हाथ से गवा नहीं सकता। और एक बात सुन लो मेरी, अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो मैं खुद आकर वहां पे अपना काम करूंगा। ये सगाई मैं किसी भी कीमत पे होने नहीं दूंगा, समझी? इन लोगों से कोई काम नहीं होने वाला लगता है, मुझे खुद ही जाके कुछ करना होगा। अपनी पति को अपनी बात कहने से इतना डर रही, वो बात जो तू ऑलरेडी दो बार कह चुकी है, और इस बार तो कहना भी नहीं, जाके उन्हें ये लेटर देना, बाकी वो पढ़कर खुद समझ लेंगे। जिंदगी ये सफर में है, यस प्रज्ञा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता, हम सफर तो है मगर मंजिले हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिले हैं जुदा जुदा। अब मैं ऐसे रहता हूँ, क्यों तब से घूर क्या रही? ये आपके लिए। क्या है इसमें? खुद पढ़ लीजिए, पता चल जाए। मैं आती हूँ। अब क्या लिखा है फुग्गी ने इसमें? कहीं बुलबुल के दहेज की लिस्ट तो नहीं पकड़ा थी? हे भगवान, बस इनका मूड ठीक रखना, कहीं पढ़ते ही इन्हें गुस्सा ना आ जाए। अभी मेरे साथ चल। पहले मुझे ये तो पढ़ने दो, बाद में पढ़ लेना, मेरे साथ चल। तो हमेशा घोड़े पर क्यों बैठकर आती है? क्या बात करनी? कौन है वहाँ? क्या हुआ अभी? तनु वहाँ पर कोई है? अभी रुको ना, कोई नहीं है वहाँ पे। अभी
जब भी मैं तुमसे कुछ बात करने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते हो। मैं अवॉइड नहीं कर रहा, मैं बस चेक कर रहा हूँ। क्या चेक कर रहे हो? यहाँ पे कोई चोर है जो तुम्हें देखकर छुप जाएगा? सच तो ये कि तुम हमेशा अवॉइड करते हो, बहाने ढूंढते हो मुझसे बात ना करने के। ठीक है, तुम्हें देखना ही ना तो तसल्ली कर लो, देख के यहाँ पे कोई। लेकिन तुम क्यों मुझ पे भरोसा करोगे? तुम्हें तो सिर्फ अपनी आंखों पे भरोसा है ना? देख लो जाके कि कोई नहीं है वहां पे। छोड़ो इन सब बातों को, बताओ क्या बात करनी थी। बात ये थी कि वो मॉम डैड के बारे में बात करनी थी। एंगेजमेंट चल रही है यहाँ पे, वो लोग भी आना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें मना किया और समझाया कि वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि क्योंकि किसकी एंगेजमेंट है ये उन्हें पूरा समझाना पड़। जो भी हो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, पूरा मूड खराब कर दिया। चलो अंदर चल। चलो मम्मी जी एक मिनट, एक बात कहनी थी आपसे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सगाई में कुछ ज्यादा ही पैसा खर्चा हुआ है? क्यों, तुझे क्या परेशानी हो रही है? ये क्या इसका सारे का पेमेंट तुझे करना है क्या? नहीं, इस फालतू एंगेजमेंट के लिए पैसा है, मेरे पति को जेल से छुड़ाने के लिए नहीं है। पैसा क्या, यहाँ पर तो किसी के पास टाइम तक नहीं है, कोई सोच भी नहीं रहा उसके बारे में। देख लूंगी मैं सबको एक दिन। अरे मॉम, हाँ क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा ये 2 लाख रुपए मैं संभाल के रखेगा, वो केटर की पेमेंट करनी है मुझे उसके लिए, जब मांगू तब दे देना। ठीक है ठीक है, बैठ आओ कुछ काम करते हैं। क्या देख रही है? आपके कड़े देख रही थी, बहुत सुंदर कंगन है, किसी ब्रांडेड ज्वेलर के लग रहे हैं। मुझे बताइए ना नाम, मैं भी। मुझे पता है कि तू क्या देख रही है। ठीक है पैसे देख ले, पर अपनी गंदी नजर इन पे बिल्कुल भी मत डालना, समझी तू? पता है पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर कोई मुझसे भी ज्यादा डैशिंग लग रहा है। तो really looking smart. अब जल्दी से एंगेजमेंट कर, come on. सब लोग आ गए हैं क्या? हाँ दीदी सब लोग आ गए, पर प्रज्ञा कहाँ है? अरे उसको बुलाओ, उसके बगैर एंगेजमेंट होगी क्या? मैं फुगी, मैं उसे बुला के लाता हूँ। रश्मि, I don't know अभी कहाँ चला गया, पर मैंने उसे यही देखा था। Damn it, तनु अगर वो यहाँ पर आया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और वो समझ में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर नहीं आना। मैंने भी तुम्हें कहा था बुलबुल को बाहर लाने के लिए, लेकिन तुम नहीं लेके आए, इसीलिए मैं खुद आया हूँ अपना काम करने के लिए, अपनी बुलबुल को ले जाने के लिए। Have you lost it? क्या कोई फिल्म चल रही है जो दिलवाले बनके अपनी दुल्हनिया ले जाओगे? तुमने सिक्योरिटी देखी है? अगर तुम फंसे ना तो तुम्हारे साथ साथ हम भी फंसेंगे। Hey, listen, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं, समझी? अपनी बुलबुल को लेकर तो जाऊंगा आज मैं। ठीक है तुम रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। तुम्हें अंदर लाने के बारे में कुछ प्लान करती हूँ, लेकिन एक बात तुम कान खोल करके सुन लो, अगर तुम अंदर पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं जानती। Do you get that? Listen, relax. मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ बुलबुल से मतलब है, तुम लोगों से नहीं, ना ही तुम्हारी फैमिली से। मैं तुम्हारी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करने वाला इस बीच में, समझी? दी, टेंशन क्यों ले रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तूने फाइनली चीजों को लिख कर दे दिया ना, इसलिए तो टेंशन ले रही हूँ, क्योंकि बात अब उन तक पहुंच चुकी है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो, मुझे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट ही कर देंगे या घर से निकाल देंगे। बुलबुल पहले जितना डर लग रहा था ना, अभी तो उससे भी ज्यादा डर लग रहा है। दी 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 तू डर क्यों रही है? देख तूने तो अपना काम कर दिया, अब चीजों की बारी, चीजों अपना काम कर देंगे, वो करे या ना करे पर उन्हें इतना तो पता चल जाएगा तू उनसे प्यार करती है, और जरूरी भी था ये। सिर्फ शादी करना काफी नहीं है, उसे निभाना भी तो जरूरी होता है। तो बस रिलैक्स कर और वेट कर कि जीजू कब तेरा लेटर पड़े, तब तक यू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है देख, इनहेल एक्सहेल। एक्सहेल। क्या हुआ? G
जीजू आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तुम दोनों कुछ अजीब लग रहे हो। मैंने आज तक तुम दोनों को कभी इतना सीरियस नहीं देखा। ऐसा लगता है आज एंगेजमेंट के दिन तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? हाँ, क्योंकि जो लोग सीरियस होते हैं वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना। बैड जोक, नेवर माइंड। मैं ये बोलने आया था कि रिंग सेरेमनी का वक्त हो रहा है और सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। जी जी जी। Hey, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो? हाँ जीजू, प्लान तो मैं कर रही हूँ। स्मार्ट गर्ल, क्या प्लान कर रही हो? वो मैं आपको एंगेजमेंट के बाद बताऊंगी, ठीक है? अब चलिए। ये है ना जोड़ी नंबर टू। जोड़ी नंबर टू दादी? हाँ, क्योंकि जोड़ी नंबर वन तुम्हारी और अभी की है। इन्हें तो बेटा जोड़ी नंबर टू पे खुश रहने दे। जोड़ी नंबर एक हो या दो, दोनों एक साथ बड़े प्यारे लग रहे हैं। वैसे आई काइंड ऑफ एग्री विद इंदु दादी, सबसे अच्छी जोड़ी तो मेरे भाई और भाभी की ही है। ये दोनों ठीक ठाक ही है। Come on, I'm just kidding, yeah. It's your special day and I'm very happy for both of you. And I will make sure ki tum dono ye din zindagi bhar nahi bhul paoge. Aur Purab, tum agar Bulbul ke saath tumne wo kiya jo tumne mere saath kiya to acha nahi hoga. Mujhe to tumne chhod diya, lekin Bulbul ko kabhi mat chhodna. Aur Bulbul, tum पूरब को हमेशा प्यार करना, वो प्यार जो मैं वैसे मैं पूर... मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता। पूरब और बुलबुल के एंगेजमेंट की सारी डेकोरेशंस ना खुद आलिया ने किए। कम ऑन, आई हैव टू टेल देम। वैसे सुबह तो जल्दी उठती नहीं है, लेकिन तुम लोगों की एंगेजमेंट के लिए इसने अलार्म लगाया। कैन यू इमेजिन आलिया कीपिंग एन अलार्म ताकि वो ये सब कर सके। और इतना ही नहीं, तुम दोनों के एंगेजमेंट के लिए ना इसने एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइज किया है। Hi, that was a surprise. What are you doing? आलिया फैमिली के बीच में कैसा सरप्राइज? So, ladies and gentlemen, please give her a big hand. वो कॉर्पोरेटर को मैंने हमारे घर के अंदर देखा। अच्छा, तुम्हारे मना करने के बाद भी कहीं उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो? गड़बड़ कर दी तो हम ही फंसेंगे। I'll have to go and check, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बुलबुल, कितने बोरिंग लग रहा है यार। तेरी एंगेजमेंट है और कोई मस्ती ही नहीं है। ऐसा करते कुछ इंटरेस्टिंग करते। इंटरेस्टिंग? मेरी एंगेजमेंट है, मैं कुछ कैसे कर सकती हूँ? बुलबुल, पूरब चीजों को देख कितने इंपेशेंट हो रहे हैं। उनका बस चले तो तुझे अभी के अभी भगा के ले जाए। ऐसे कैसे भगा के ले जाएगा? मेरे पास एक आइडिया। आइडिया? देखो, नहीं चाहिए, जाओ। एक बार शक्ल तो देख लो, जाने को नहीं कहोगे? कहा था ना कि यहाँ पर मत आना, फिर क्यों आए यहाँ पर? मैंने भी तुम्हें कहा था कि एंगेजमेंट में किसी भी कीमत पे नहीं आने दूंगा,
और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं खुद आकर कर लूंगा। अगर तुम पकड़े गए ना, जब तुम मुझे नहीं पहचान पाई तो और कोई क्या पहचानेगा। देखो तुम, देखो रिलैक्स, तुम लोग सिर्फ पार्टी एंजॉय करो, तुम लोग देखते जाओ अब मैं क्या क्या करता हूँ। बेटा ये क्या हो गया अभी? हाँ दादी, कहाँ? अभी देखना ये लाइट क्यों चली गई? हाँ दादी, हाँ, मैं देखता हूँ। राम सिंह, एक मिनट बाद जाती तो कम से कम सगाई तो हो जाती ना। बुलबुल कहाँ है? बुलबुल, बुलबुल! अच्छा अब जल्दी जा, माँ परेशान हो रही, जल्दी जा। अरे हंसने की कौन सी बात है, पर बुलबुल कहाँ गई है? माँ रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं है, बुलबुल यहीं है। पर जीजू आपसे थोड़ा दूर है। एक्चुअली क्या है ना, ये एंगेजमेंट पार्टी थोड़ी बोरिंग हो रही थी तो प्रज्ञा दी और मैंने डिसाइड किया कि इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इसके लिए हमने बुलबुल को छुपा दिया है। तो जीजू आप जितना जल्दी बुलबुल को ढूंढोगे उतनी जल्दी आपकी एंगेजमेंट होगी। ये किस तरह का गेम है? खेल नहीं है, आजमाइश है। ऐसे कैसे हम दे दे तुम्हें अपनी बहन? पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। कोई टाइम है इस तरह का टेस्ट लेने का? यही तो टाइम है जीजू, फिर इसके बाद तो इन दोनों की शादी हो जाएगी और ना पूरब जीजू बुलबुल को कहीं जाने देंगे और ना बुलबुल उन्हें कहीं जाने देगी, तो इसीलिए अभी भी जितनी मस्ती करनी है उतनी कर लेते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं आप लोग? ओके 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 गाइस, रिलैक्स रिलैक्स, मैं तैयार। और प्रज्ञा दी, बुलबुल को ढूंढ के मैं साबित कर दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। बनकर और बता, सब लोग का रिएक्शन कैसा था? सबका छोड़ पूरब की शक्ल देखने लायक थी जब तू नहीं मिली उसे वहाँ। बेचारा परेशान हो गया होगा ना वो। बेचारा, उसकी इतनी फिक्र हो रही है, मेरी टेंशन ही है। इतने दिनों से जो तुम लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हो ना, ये उसकी सजा है और थोड़ी देर और मिलेगी ये सजा। दीदी नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है, शॉल मत तोड़, यहाँ बैठ में बाहर देख कर आती हूँ, बहुत चुपचाप बैठी रहना प्लीज।
मुझे मालूम है कि प्रज्ञा ने बुलबुल को कहाँ छुपाया। कहाँ? स्टोर रूम में। वो रूम बाकी घर के सब रूम से अलग है और एक्चुअली वो बैक डोर के पास पड़ता है, तो तुम वहाँ से आराम से बुलबुल को उठाकर पीछे के दरवाजे से एग्जिट कर सकते हो। पर आलिया, तुम्हें कैसे पता कि बुलबुल वहीं पर है? मैंने प्रज्ञा और बुलबुल की बातें सुन ली। वो बुलबुल को छुपाकर पूरब को सरप्राइज देने वाली है, लेकिन उनका सरप्राइज हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसीलिए मैंने तुम सबको रोक दिया था। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यू कैन नॉट गूफ अप दिस टाइम। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली जैसे पिछली बार हुई थी। तुम लोग सुनो, बुलबुल को उठा के उसी जगह पर पहुंचो जहां मैंने तुम्हें बोला है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ।